शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अरे मेरा अंतिम समय आ गया है और मेरी मौत का जिम्मेदार होगा मेरा इकलौता बेटा। अपने आप पर काबू रखिए, वरना आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। अरे अब रही क्या क्या खराब होने को, अरे थोड़ा ऊपर रखो इस पहाड़ को। मेरा करोड़ों का नुकसान करा दिया नालायक ने, तू और कमीना घर आती लक्ष्मी को ठोकर मार कर चला गया। मैं उसको माफ नहीं करूंगा, मुझको गुस्सा आ रहा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। अरे कहाँ है वो? आ गया नमकूल नमक हराम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जाओ मुझे छोड़ो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा चलाता बनूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हैं? मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है डैडी, बिना वजह आपको फांसी हो जाएगी। आपकी खुशी के लिए मैं खुद ही खुदकुशी कर लेता हूँ। इस चाकू से आज तक कद्दू टिंडे और टमाटर कटते आए हैं, लेकिन आज आज मैं काटूंगा। अरे आ, ये क्या कर रहे हो राजा? नहीं माँ मुझे मर जाने दे। अरे धमकी किसे देता है, जा मर जा। ये सब क्या हो रहा है? बाप बेटे के ऐसे होते हैं? अरे क्या बेटे ऐसे होते हैं, क्या बाप ऐसे होते हैं? क्या नहीं, नहीं। क्या मेरे सामने से तुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी? कभी नहीं, उस चुड़ैल से मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अरे तू तो क्या तेरा बाप भी करेगा? अच्छा तो कर लीजिए। क्या क्या छोड़िए, पागल हो गए क्या? जवान बेटा है, जोश में आकर कुछ कर बैठा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। चलो मेरे लाल, चलो चलो। हजारी प्रसाद इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं, तेरी शादी होगी तो उसी लड़की से होगी। तू भी क्या याद रखेगा कि किस बाप से पाला पड़ा था। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए आप लोग बैठिए, मेरा सब अभी आते हैं। डैडी आप मुझे कहाँ ले आए? देख ज्यादा चूं चपड़ मत कर, बड़ी मेहनत के बाद पटाया मैंने, सारा गुड़ गोबर मत कर देना। लेकिन डैडी जिस लड़की को मैंने देखा तक नहीं उसे शादी कैसे करूंगा? हमने भी ऐसे की थी, तू भी ऐसे ही करेगा? नहीं करूंगा, एक झपड़ दूंगा, चिल्लाऊंगा मैं। कभी की औलाद। हेलो हजारी प्रसाद। मेरे बच्चे क्या बात है, बाप बेटे में बड़ा प्यार हो रहा है? गले लगाने को दिल कर रहा था अपने लाल को, मेरे लालू। ये है मेरी माता जी। नमस्ते, नमस्ते। और ये मेरा राजा बेटा। जी चलो बेटे बैठो, आपकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही मेरा साहब। पिंकी को घुमाने गई है, अभी आ जाएगी। हाय डैडी। हाय बेटे। आओ बेटे, ये हैं हजारी प्रसाद तुम्हारे होने वाले, और ये हैं उनके बेटे। बेटे तुम तो तुम एक दूसरे को जानते हो? डैडी आप मेरी शादी इससे करवा रहे हैं, इस लफंगे से? इसकी शादी तो मैं चिंकी से भी नहीं करवाऊंगी। अबे मैं इस कुतिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। अरे डैडी किस चुड़ैल के साथ मेरी शादी? चुड़ैल। वेरी गुड, जब आप दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं तो फिर झगड़ा किस बात का है? कंग्रेचुलेशन मेरा। मेरे डैडी को शराब मत बोल, समझे? अरे बेटी ये क्या कर रही हो? शराब कह रही हूँ दादी माँ, आप नहीं जानती ये एक नंबर का बदमाश है, दूध चाहे। हाँ हाँ तुम तो बड़ी दूध की धुली हो ना। राजा बेटा, राजा बेटा ये क्या हो रहा है, सारे की एक राय पे पानी क्यों फिर रहा? भगवान के लिए चुप हो जा, चुप हो जा। आप हटिए डैडी, इस छिपकली को तो मैं देखता हूँ। क्या तुमने मुझे छिपकली कहा? आप हटिए डैडी, यू ब्लडी कॉकरोच। तुमने मेरा डैडी का ये हाल किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या देखा डैडी, केक का बदला केक। अरे मुझसे बदला लिया तूने, मुझे मेरे डैडी की ये हालत बनाई, यू ब्लडी रास्कल। अरे मुझे, अरे तू क्या मुझे मारेगी? छोड़ दीजिए डैडी। अरे जा जा चुड़ैल चिपकली, मैं भी तुझे देख लूंगा। छोड़े मुझे, छोड़े मुझे डैडी। आपके सम्मान के बाद मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक जा मेरे बेटे, अरे रुक जा। अदारी अदारी तेरे साथ है क्या? अरे साहब मेरे साहब, चलो चलो नाश्ता रेडी है। ये लो तुम दोनों के ऑमलेट, तुम्हारा बॉयल अंडा, दूध गर्म है, संभाल के पीना। ए, मेरा टोस्ट कहाँ है? आपने लिया ही नहीं मामा जी, आजकल आप सब भूलने लग गए हैं।
अब अंडा तो मैंने लिया था, अंडा कहाँ गया मेरा? लो अभी तो खाया था अंडा, फिर भूल गए। शाम को डॉक्टर के पास जरूर जाना मामा जी। सब समझता हूँ मैं, चलो जल्दी खाओ, स्कूल जाना है। मुझे तो बुखार है मामा जी, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? बुखार है? तुम्हारा बदन तो ठंडा है। मामा जी इसे तो ऐसा ही बुखार आता है, बाहर से ठंडा और अंदर से गर्म। अच्छा अभी थर्मामीटर लाता हूँ, देखते हैं कितना बुखार है तुमको। मामा को उल्लू समझा? कैसा है? और चलिए दूध भी है, पियोगी? अब देखते हैं कितना बुखार है तुमको। इधर आओ, मुंह खोलो। तूने मेरा टोस्ट क्यों खाया? मैंने नहीं खाया। और ये ऑमलेट ये किसने खाया? अगर मैंने खा भी लिया तो क्या हुआ, मैं तेरी सिस्टर हूँ ना। अरे अरे इसको तो सचमुच बुखार है। अच्छा तुम घर पे रहना, और विकी तुम और मम्मी भी घर पे रहना, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ। ओके ओके मामा जी। नाश्ता खत्म करके सामान रख देना, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी में हूँ। और खबरदार जो तुम घर से बाहर निकले तो समझे। ओके मामा जी, बाय बाय। ए हेलो, चलो उठो। हे सनी, सनी इधर आओ, सनी चलो उसको उठाओ, उठाओ उसको। किसको? इसको, इसको। दीदी उठो, उठो। गुड मॉर्निंग। उठिए, 7 बज गए हैं, बच्चों को तैयार करना, नाश्ता बनाना है। मगर मेरे को तो खाना बनाना आता ही नहीं। क्या ये तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? मैं तो कह देती लेकिन आपने पूछा ही नहीं। क्या अच्छा तुम बच्चों को तैयार करो, मैं नाश्ता बनाता हूँ, जल्दी। बच्चों को तो तैयार कर दिया मैंने, आपकी कुछ मदद कर दूँ? नहीं सब हो गया। ये क्या पक रहा है? ओह पानी गर्म हो रहा है, क्या हुआ दिखाओ। चल गया। बाप रे। अयो बस हो गया दीदी। अरे अरे भागो, अरे मुन्नी तू साइकिल पकड़, अरे नहीं माँ मेरी बात सुनो, अरे मुन्नी तू साइकिल मत छोड़। ओ अरे ये क्या हुआ भाई, अरे नहीं क्या हुआ पापा, अरे हुआ क्या, अरे 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 पापा मुझे बचाओ, हटने दे तो हट लो। अरे ये तो बताइए कि हुआ क्या? मेरा सर हुआ, 1250 की नई साइकिल तोड़ कर लाया है तुम्हारा लाडला। साइकिल तोड़ा है, क्या हुआ? डैड बाप मत रो जाओ डैड, ना ये दुनिया की पहली टूटने वाली साइकिल है और ना ही माँ दुनिया की पहली डांटने वाली माँ है। हाँ। सौतेली क्यों नहीं कहता? सौतेली बोल, सौतेली। सौतेली बोल, सौतेली। हाँ, 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 मत। पूछो इसे, साइकिल टूटी कैसे? हाँ, हाँ, साइकिल कैसे टूटी? अरे 1250 रुपए की साइकिल टूट गई। पूछो बताओ
हाँ हाँ बताओ बताओ ये साइकिल कैसे टूटी है? क्या हुआ ये सब? क्या है पापा के कल रात कुछ लोग एक आदमी को मार रहे थे और मैंने उसे बचाया। अब आप ही बताइए क्या ये साइकिल एक बुजुर्ग की जान से ज्यादा कीमती है? नहीं बेटे तुमने ठीक किया। अरे पागल एक साइकिल किसी की भी जान से ज्यादा कीमती नहीं। जाओ घूम फिर क्या? हाँ हाँ घूम फिर क्या? तेरे बाप के पास कुबेर का खजाना है ही, नई साइकिल आएगी। जा जा क्या ताज क्या इसको कर क्या? क्या है? मैं श्रीमा गोस्वामी इधर ही रहता है। लाइए उनका रजिस्टर्ड एडी आया है। श्रीमा बेबी आपका लेटर लो, लो। मैं श्रीमा गोस्वामी का रजिस्टर्ड एडी है। मैं साइन करता हूँ। नहीं साहब साइन तो उन्हीं का चाहिए। अबे चपड़ गंजू एक आप दाढ़ी को हाथ मत लगाओ। मैं उनका होने वाला सही हूँ। लो वो आप उनको नहीं मालूम, आप उनको तो उनका ही सही मांगता है। और जल्दी बुलाओ। हाय विकी हाउ आर यू? क्या बोले? अरे यार रीमा का रजिस्टर्ड एडी है, जरा रीमा को बुला। कोई बात नहीं। रीमा तुम्हारी रजिस्ट्री आई है, कम एंड साइन इट। जल्दी बुलाओ साहब, आप उनको और जगह भी जाना है। हाय रीमा बेबी। किसका है? कमाल है यार। तू चलना यार, अजीब इडियट है दाढ़ी वाला। प्यारी रीमा जब फोन मिलाता हूँ तो विकी या महेश उठाते हैं। अगर चाहती हो कि फिल्म पर ना आने की बात भूल जाऊं तो आज डिस्को डांडिया में आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। रीमा बेबी। अमित पोस्टमैन। अब क्या? अरे वो रजिस्टर रेडी का स्लिप नहीं दिया। स्लिप नहीं दिया? मैम साहब कहकर बात करो, समझे? मैम साहब होगी तुम्हारी। रीमा जस्ट गेट रिड ऑफ दिस एस। आऊंगी। आहा, गुड वेरी गुड। सामान कहाँ रख दूँ सर? यहीं रख दीजिए। जी सर। क्या नाम है आपका? रुपेश घायल। ओहो घायल साहब ये लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। मर गए यार। लगता है शिकार आसपास ही है। गुड मॉर्निंग मैडम। मुझे नहीं मालूम था कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को ये सुविधाएं भी दी जाती हैं। By the way, my name is Dev Karan Singh, लेकिन आप प्यार से मुझे देव कह सकती हैं। अरे आप देव हो या महादेव, मेरे केबिन में क्या करें? Get out from my cabin right now. एक मिनट, एक मिनट। किसी ने आपसे कहा है कि आपकी आंखें बेहद खूबसूरत हैं? हेलो हेलो सिक्योरिटी, आप फौरन यहाँ चले आइए, मेरे रूम में एक बदमाश घुस आया है, फौरन तुरंत। क्या कर रहे हो? आगे मत बढ़ो, मैं चिल्लाऊंगी मैं। ये जैकेट पहन लीजिए मैडम, कहीं सिक्योरिटी वालों के सामने आपका तौलिया खिसक गया तो वो बेचारे अपनी ड्यूटी भूल जाएंगे, और कसम खुदा की खुशी के मारे मेरी तो जान ही निकल जाएगी। कम राइट इन। कहां है बदमाश, कहां है चोर, वेयर इज ही, टेल मी। ओह चादर में चोर। मैडम चलिए बाहर निकलिए। इडियट इसे बाहर निकालो, ये मेरा कैबिन है। जी नहीं ये कैबिन मेरा है। ये मेरा कैबिन है। एक मिनट, डिसाइड मैं करूंगा कैबिन किसका है। ओके टिकट प्लीज। क्या आप दोनों में से देवकरण सिंह कौन है? जी मैं हूँ। तो ये कैबिन आपका। मैडम चादर रखिए, सामान उठाइए, आप अपने कैबिन में तशरीफ ले जाइए, क्योंकि आपका कैबिन 21B सेकंड फ्लोर पे है।
I'm sorry. पोस्टल एड्रेस गलत है, माफी इनसे मांगिए, समझी? हाँ। देखिए मिस्टर, मुझसे गलती है। नहीं नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहें तो इसी कमरे में रह सकती हैं आप। Oh really? Thank you very much. No no not at all. It's my pleasure. आप वहाँ बेड पे सो जाइएगा और मैं यहाँ सोफे पे काम चला लूँगा। What? क्या मतलब है आपका? मैं बेड पे और आप सोफे पे? तो चलिए हम दोनों ही सोफे पर। मत लगाओ मुझे। You rascal! अरे जाने मन, जाते जाते अपना नाम तो बताते जा। साला आपने आपको समझता क्या है? चलो, मामला तो जम गया है। देव ने अपना चक्कर चला लिया। तितली को तो देखो कैसी कमाल की है। बेचारी अकेली अकेली खाना खा रही है। प्रिया, हाय। अरे प्रिया, प्रिया, अरे प्रिया बात तो सुनो। अरे तुम तो मुझे देखकर ऐसे भाग रही हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। तुम भूत से भी बदतर हो। तुम आफत हो, आफत। और मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। तुम्हें मालूम है तुम्हारे कारण मेरा कैबिन से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है? लोग मेरे बारे में कैसे गंदी गंदी बातें कर रहे हैं? अरे लोगों की बात छोड़ो और मेरी बात सुनो। आओ बैठो यहाँ पे, बैठो। अरे दो कॉफी लाना। यस सर। देखो कल सुबह जहाज एक खूबसूरत आइलैंड पे रुक रहा है जहाँ बहते हुए झरने हैं, महकती हुई वादियां हैं और दिलकश नजारे हैं। तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलूँ? नहीं। अरे तुम्हारी बात कौन कर रहा है, मैं तो कामिनी को वहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। तो ले जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? मेरी इजाजत चाहिए तुम्हें? डार्लिंग तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। वो कामिनी के कमबख्श छोटे भाई ने उसकी अम्मा के सामने सारा पोल खोल दिया है। ये भगवान बच्चे पैदा क्यों करता है, सीधे बड़े क्यों नहीं भेज देता? खैर अब उसकी अम्मा ने उसका अकेले आना जाना बंद कर दिया। तो इससे मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें उसकी अम्मा को पटा कर उसे कल सुबह आइलैंड पर लाना है। तो तुम चाहते तुम्हारी इस घिनौनी हरकत में मैं तुम्हारा साथ दूं? हाँ। I'm sorry। अरे प्रिया, देखो प्रिया ना मत करना, आखिर एक दोस्त ही दोस्त के काम आ सकता है। दोस्त दफा हो जाओ। प्लीज प्रिया। क्या करूं, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। देव सब दिख रहे हैं। देखने दो। देव मैं पहले बदनाम हो चुकी हूं, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी अपनी दोस्ती की कसम नहीं छोड़ूंगा। हाँ करती हूँ, अब आप छोड़ो मुझे। पहले अपने वो फोटो वाले भाई साहब की कसम खाओ। फोटो वाले भाई साहब की कसम, छोड़ो मुझे। हाँ, थैंक यू, यू आर सो स्वीट। कल 10 बजे ओरिएंटल बाजार, ओके? और सुनो, लेट मत होना। आइए मैम साहब, आइए। ये देखिए, सबसे पहले देखिए हमारे पालन खेत का टैक्सी स्टैंड। ये टैक्सी स्टैंड मेरे हिंदुस्तानी बेबी बॉम्बे सीधा तेरा टैक्सी स्टैंड देखने को नहीं आया है? ए नरम, ये टैक्सी स्टैंड हमारी रोजी रोटी है, इसके बारे में कुछ बोला ना तो कान नाक में फर्क नहीं छोड़ेंगे हम। कम वो ए क्या क्या ए, ए, क्या? क्या हो रहा है ये सब? चलो राजा कुछ और देखते हैं। अच्छा ठीक है मैम साहब, आप कहती हैं तो। लेकिन मैम साहब एक मिनट, आप हमारे जिगरी दोस्त से मिले बिना नहीं जा सकती हैं। ओए बल्ले, ओए कौन है? ओए रोजी, ओए मेरा यार, ओए बल्ले मेरी जान। So cheap, so disgusting, baby. Look at them. Oh, Mem Sahab, oh, ये हमारा यार है। Mem Sahab, ये हमारा सबसे प्यारा यार है। इस टैक्सी यूनियन का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। हाँ हाँ वही वही। और बल्ले, ये हमारी मेम साहब है। मेम साहब बम्बई से आई है, बम्बई से। सत्यकाल जी, आओ जी अंदर आओ जी, लस्सी पीसी पी। नो थैंक यू, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। राजा हाँ हाँ, मेम साहब को थोड़ी खरीदारी करानी है। अरे बल्ले तब तक इन दोनों की खातिर कर, हम मेम साहब को लेकर जाते हैं। बेबी हाँ हाँ, तुम दोनों बलवंत सिंह के साथ बैठो, लस्सी वस्सी पियो, मैं जरा शॉपिंग करके आती हूँ। कम ऑन राजा, लेट्स गो। अच्छा बल्ले, ओए राजे, ओए तुसी फिक्र ना करो यार, ओए तुसी मेम साहब दे की लगदे हो? अंग रक्षक। ओए वड्डा चंगा रक्षक जी, तो साढ़े भी अंग लग जाओ जी। कमीना,
एक मिनट रे छोड़ ठीक है एक बार फिर पंगा जरूर है ओ तुसी अंदर आओ जी आ जाओ जी आ जी आ आइए मैं सब आइए चलिए आंखें खोलो राजा नहीं मैं सब अभी नहीं एक मिनट ओहो कहाँ ले आए हो मुझे आइए ना आप राजा आंखें खोलो हाँ भीम साहब अभी खोली खूबसूरत जगह है राजा है ना मैम साहब है ना हम जानते थे ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी चलिए मैम साहब आइए आइए मैम साहब बैठिए यहाँ पे आइए कितनी अच्छी ना जगह शायद मेरी माँ और मेरे पापा यही मिले हो क्या मैम साहब जानते हो राजा मेरी माँ और मेरे पापा पहली बार पालन खेत में ही मिले थे आपकी माँ आपकी माँ कैसी है मेम साहब नहीं है मुझे जन्म देते ही गुजर गई वो अरे वाह आपकी भी माँ नहीं है हमारी भी माँ नहीं है दोनों एक बराबर राजा ओह माफ करना मेम साहब हम पता नहीं क्या क्या बक देते हैं जो जी में आया बक दिया बस यही मुसीबत है हमें बात करनी नहीं आती हट किसने कहा तुम्हें बात करनी नहीं आती तुम तो बहुत खूबसूरत बातें करते हो राजा अच्छा मेम साहब हम तो सिर्फ खूबसूरत बातें करते हैं आप तो खूबसूरत हो मेम साहब मैं हाँ मेम साहब बहुत खूबसूरत हो आप तुम भी ना राजा बहुत झूठी तारीफ करते हो अरे मेम साहब कसम से पालन खेत की कसम आपसे खूबसूरत हमने आज तक किसी को नहीं देखा है क्यों ऐसी क्या खास बात है मुझ में जो कोई मुझे खूबसूरत कहे सर से पांव तक तो आप खूबसूरत हैं आपके बाल खास नहीं है, है? आपकी आंखें मेरी आंखें ए जरा इधर आओ ऐसी क्या खास बात है मेरी आंखों में आपकी आंखें मेरी आंखें आपकी आंखें बोलो ना बाबा ऐसी क्या खास बात है मेरी आंखों में आपकी आंखें मेरी टैक्सी की हेडलाइट की तरह है मेम साहब क्या जी 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 जी, जी। राजा तुम पागल हो तुम जोकर हो अरे मेम साहब को शायरी थोड़ी आती है हम क्या करें लेकिन हम सच कहते हैं मेम साहब आपसे खूबसूरत कोई नहीं बस करो राजा खुश सुनेगा तो हंसेगा हम किसी से नहीं डरते मेम साहब हम सबसे कह देंगे इस आसमान से इन बादलों से इन पहाड़ों से मेम